हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ओप्पो A57 के जो है 3 बिग प्रॉब्लम लाया हूँ जो कि मुझे यूज़ करते फेस करने पड़ रहे हैं। और एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, आज के जितने भी साइडों के मैं प्रॉब्लम लाता हूँ ज़्यादातर बजट साइड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइड जो है बुरे हैं, ठीक है, वो साइड अच्छे होते हैं सारे के सारे, लेकिन बजट साइडों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी वाले जो है उसमें कोई ना कोई कमी रख देते हैं। जैसे कि ये सेट है ओप्पो A57, तो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी जो है फुल प्लास्टिक पर है और इसकी प्राइस जो है वो है 23,000, इसका मतलब $220। $220 में हम अच्छी बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो है पूरा प्लास्टिक पे, इसके बटन तक प्लास्टिक पे हैं, तो ये जो है थोड़ा प्रॉब्लम है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसके काफ़ी स्क्रैचेज आ गए हैं जबकि ये कवर में ही रहता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और जो दूसरा इसका प्रॉब्लम है वो है इसका बैटरी प्लस स्पीकर। तो बैटरी की सबसे पहले बात करता हूँ, बैटरी जो है वो 2900 एम्पेयर है, इसका मतलब 2900 एम्पेयर बैटरी है। और बैटरी इसकी जो है, मैं नोकिया 5 यूज़ कर रहा हूँ, उसकी बैटरी जो है कम से कम 6 आवर स्क्रीन टाइम देती है और कभी कभी 6.5 आवर्स भी दे देती है, 6 आवर 30 मिनट्स। लेकिन ये जो है ये इतनी नहीं देती। इसके लिए अगर आप ये सेट ले रहे हैं तो ये कम से कम 3.5 आवर जो है स्क्रीन टाइम देगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक दिन कंप्लीट बहुत मुश्किलों से यूज़ करने में मिलेगा वाईफाई पे। और अगर आप 4G पर हैं तो आप भूल ही जाएं कि आप एक दिन यूज़ कर सकते हैं, फिर ये फ़ौरन गिराएगा बैटरी, ठीक है। और स्पीकर की ज़्यादा बात रही तो स्पीकर इसके जो हैं वो इतने लाउड नहीं हैं जितने होने चाहिए। जैसे कि मैं सुना देता हूँ स्पीकर अभी आपको, तो यहाँ पर हम जो है यूट्यूब पर कोई वीडियो चला लेते हैं, ठीक है, तो कोई सॉन्ग वीडियो चला लेते हैं। तो ये इसकी जो है स्पीकर है जो कि इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप जो है कहीं पर चलाएं और सुनना चाहें तो इतने ख़ास आवाज़ नहीं आती। ये स्पीकर है इसके, ये सिंगल स्पीकर है इसके यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर से कोई आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये सिर्फ कॉलिंग के लिए स्पीकर है, ठीक है। और तीसरी जो इसकी प्रॉब्लम है वो है इसे कैमरा को लेकर। इसे कैमरा नो डाउट बेस्ट कैमरा है, बजट फ़ोन में ऐसा कैमरा शायद ही कोई देता हो। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसके कैमरा में, वो ये है कि ये जो है एक्सपोजर थोड़ा संभालने में टाइम लगाता है। जैसे कि क्लिक करो तो एक्सपोजर संभलता है इससे, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो 720 पिक्सल है और इसमें फ्रंट कैमरा लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का, तो वो जो है एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, फिर पिक्चर अच्छी आ जाती है। तो अगर आपके पास ओप्पो A57 है तो आप ये ज़रा चेक करना, ये चीज़ है इसके अंदर। और चलें, ये थे ओप्पो A57 के जो है 3 बिग प्रॉब्लम जो कि मुझे आपके पास शेयर करने थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इस मोबाइल को लेकर कोई और बात है तो मुझे बताएं, मैं इसे कैमरा रिव्यू डिटेल में पोस्ट कर दूंगा अपनी चैनल पे, और इसके बैटरी रिव्यू भी मैं डिटेल में पोस्ट करूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।